Hello everyone, this is Raj Anand Sinha and you are with Scientific Sinha. आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स जैक की तरफ से आया है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि एक पेपर का छोटा सा कटिंग है, इसके इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे और कुछ ये बताएंगे कि इसके बाद क्या कुछ अपडेट्स है। यहाँ लिखता है जैक, ये इम्पोर्टेंट अपडेट जैक की तरफ से 28 नवंबर से भरे जाएंगे इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म। वैसे बच्चे जो क्लास 12th में हैं, उनके लिए अपडेट है। क्लास 12th में है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका, आपने क्लास 11th लिख चुका, क्लास 11th पास कर चुके, उसके बाद अब आप क्लास 12th में हैं, तो आप लोगों के लिए 28 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। लिखता है, ये हिंदुस्तान न्यूज पेपर में छपा हुआ न्यूज है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी है। 28 नवंबर से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 12 दिसंबर तक बिना शुल्क के आवेदन किया जा सकेगा, जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विलंब शुल्क लगेगा। मतलब 12 दिसंबर आपका लास्ट डेट होगा, 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपको लेट फाइन लगेगा, लेट फाइन के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होगा। आगे बढ़िए, इसमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे नियमित छात्र, स्वतंत्र एवं पूर्ववर्ती छात्र आवेदन कर सकेंगे। मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं, जो नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं पर नॉन स्कूलिंग की फैसिलिटी, वो आवेदन कर सकते हैं। जो ईएक्स रेगुलर है, मतलब जो पिछले बार फेल हो गए थे, वो भी इस पे आवेदन कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज छात्र छात्राओं को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराएगा। छात्र छात्राएं उसे विधिवत भरकर स्कूल ले जाएंगे, जहां से शिक्षक उसे ऑनलाइन करेंगे। इससे पहले मैट्रिक परीक्षा के लिए 16 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2 दिसंबर तक इनके आवेदन भरे जाएंगे। जैक की ओर से मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2012 का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया, जो आपको पता है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है। ये परीक्षाएं 6 फरवरी से 26 फरवरी तक होंगी, ये भी आपको पता है। जैक ने विलंब शुल्क के साथ 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी। मतलब 10th का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 9th का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 10th का रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर तक लास्ट डेट है और 9th का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक डेट को बढ़ा दिया गया। यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसको भी जरा देख लेते हैं। आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा 3 मार्च को ली जाएगी। आकांक्षा की परीक्षा जो होती है 3 मार्च 2024 को आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा होगी। मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 9:45 में यह परीक्षा ली जाएगी। आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए 30 नवंबर से 23 दिसंबर तक आवेदन भरे जाएंगे। आकांक्षा जो परीक्षा होने वाली उसके लिए 30 नवंबर से 23 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। छात्र छात्राएं 25 जनवरी से इसका प्रवेश पत्र, मतलब 25 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग में 95% विद्यार्थी सफल हुए, उसके बारे में दिया गया। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग की परीक्षा हुई थी, 92% छात्र छात्राएं इसमें सफल हुए। 7,354 छात्र छात्राओं में से 7,097 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए और 6,511 सफल हुए। इसमें 6,510 परीक्षा फर्स्ट डिविजन, बहुत बहुत अच्छा, देखिए 6,511 में 6,510 फर्स्ट डिविजन से परीक्षा हुई और सिर्फ एक परीक्षार्थी सेकेंड डिविजन से पास किया। इस परीक्षा में 309 छात्र छात्राएं असफल भी हुए हैं, इसके बारे में बताया गया। और ये जो पूरा डिटेल आपने अभी देखा, इस पूरे डिटेल का ये ऑफिशियल नोटिस जो जैक लगा, ये तो न्यूज़पेपर का लिखा हुआ न्यूज है, लेकिन ये जैक के द्वारा जारी किया गया न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एतद द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट 2024 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधान को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परिषद के वेबसाइट में, ये एक वेबसाइट दिया है, के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। मतलब वैसे बच्चे जो 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा लिखने वाले हैं, उनके लिए प्रवेश पत्र मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा। लिखता है विलंब शुल्क के को हटाकर 28 से 12 दिसंबर तक,
बैंक में चालान जमा करने का अंतिम डेट 14 तारीख दिया है और विलंब शुल्क के साथ 13 से 20 दिसंबर तक और 22 तक चालान भरने का समय दिया गया है। लिखता है प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय को उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर ऑनलाइन भरा जा सकेगा। मतलब इस लाइन से ये चीज पता चलता है कि ये पूरा काम आपका स्कूल या कॉलेज करेगा, क्योंकि उन्हें एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, उसी से ये फॉर्म भरा जाएगा। परिषद के उक्त वेबसाइट पर अपलोड की शर्तें, प्रक्रिया एवं शुल्क संबंधित निर्देश का अनुपालन करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज, वो आपको पूरी जानकारी देगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, आपको फॉर्म भरने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सारी जानकारी आपका स्कूल कॉलेज देगा। लिखता है प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय प्रधान को निर्देश दिया जाता है, जो आपके प्रिंसिपल है उनको निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रपत्र को सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए ससमय आवेदन प्राप्त कर लिया जाए, ताकि ऑनलाइन प्रपत्र भरते हुए समय की बचत हो सके। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अध्यक्ष के आदेश से एसडी लिंडा सचिव है झारखंड अधिविद परिषद रांची, जिन्होंने ये नोटिस निकाला है 26/11/2023 को। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट रहा। लिखा है देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के आवेदन प्रपत्र जमा करने के लिए आवश्यक सूचना, ये आवश्यक सूचना ही है। और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। जितने बच्चे घर में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि कब फॉर्म जमा होगा, कब फॉर्म भराएगा, कब एग्जाम होगा, एग्जाम होने से पहले प्रैक्टिकल लिखना है कि नहीं, ये सारी बातों के साथ ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि 28 तारीख से लेके 12 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जो आपके स्कूल में होगा। और उस फॉर्म भरने के लिए आपके स्कूल के मैनेजमेंट, आपके टीचर्स और आपके प्रिंसिपल आपकी पूरी मदद करेंगे।